हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मोहित बिज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से फायरबोल्ट मर्क्यूरी स्मार्ट वॉच के बारे में। मैंने उस पर वीडियो बनाई है दोस्तों, बहुत सारे लोग उसको मतलब देखे भी हैं और वो लोग बता रहे हैं कि मतलब स्मार्ट वॉच के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे उस वीडियो पर इतने कमेंट आ रहे हैं कि पूछिए मत सर, मेरा वॉच ख़राब हो गया सर, मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गया सर, रीसेट नहीं हो रहा है सर, टाइम सेट नहीं हो रहा है सर, ऑफ हो गया, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। और जबकि उसका सबसे बड़ा कमेंट आने का रीज़न ये भी है कि लोग कंपनी को ईमेल कर रहे हैं, चाहे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसी भी थ्रू मतलब सर्विस के लिए, तो कंपनी को रिप्लाई नहीं दे रही है। कई मेल, कितना ईमेल कर दीजिए, कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है कि हाँ मतलब वॉच ले जाएगी, सर्विस करेगी या नहीं करेगी। और उसमें एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर मेरी वॉच तो चली गई, लेकिन करीब 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी वॉच मुझे सर्विस सेंटर की तरफ से वापस नहीं मिली। तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। वो तरीका सही तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। तो मेरे एक मित्र ने ऐसा किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी यही करिए, आपकी वॉच चेंज हो जाएगी। बाकी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये स्मार्ट वॉच, ये वही स्मार्ट वॉच है, लेकिन दोस्तों ये मेरी नहीं है, ये मेरे एक मित्र की है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने वीडियो में बताई थी कि मेरी भी वॉच वो ख़राब हो चुकी है, 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन सर्विस वाले अभी तक कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दिए ना लेने आए हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप अपनी वॉच को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आखिर मेरी वॉच का क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं, जो आपको बता रहा हूँ तरीका, वैसे मैंने क्यों नहीं चेंज किया। और जो मैं बता रहा हूँ वो सटीक तरीका है दोस्तों, मेरे दोस्त ने ऐसा खुद किया है एकदम प्रॉपर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप भी अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आप वैसे प्रोसेस करिएगा। तो आप जहाँ से भी वॉच खरीदे होंगे, जिस भी साइट से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी खरीदे होंगे, और मुझे पता है बहुत से लोग तो फ्लिपकार्ट से ही खरीदे होंगे क्योंकि उसी पर ऑफर चल रहा था, उसी पर उसकी प्राइस गिरती गई, बहुत सस्ते तक हो गई थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेम यही वॉच और यही कलर जो भी आपका होगा, ठीक है, आपको वही वॉच को सेम फिर से ऑर्डर करना है। और हो सके तो आप अपने आईडी से मत करिएगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है, खैर मेरे मित्र ने अपने आईडी से किया था, तो आप अपने आईडी से न करके किसी अपने दूसरे मित्र से या फैमिली में किसी और की आईडी होगी, मतलब फ्लिपकार्ट पर चाहे जहाँ से आप खरीदे होंगे, तब वहाँ से सेम वॉच सेम कलर ऑर्डर करिएगा, ठीक है। और जब वो वॉच मिल जाएगी, तो जब वो वॉच आपको मिल जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको उस डब्बे में से सिर्फ वॉच निकालनी है, ठीक है, वॉच निकालनी है, स्ट्रिप मत बदलिएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप आपकी गंदी हो चुकी होगी क्योंकि आप उसको रफ एंड टफ यूज किए होंगे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्क्रीन भी गंदा कर दिए होंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा, स्क्रीन पर कम से कम स्क्रैच उस्क्रैच ना हो, आप उसको साफ कर लीजिएगा, जो भी देखने में वॉच पुरानी नहीं लगनी चाहिए। अगर जो बहुत दिन से रफ एंड टफ यूज कर रहे होंगे दोस्तों, तो फिर उनकी चेंज होने में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मेरे दोस्त की करीब 3 महीने हो चुकी थी, फिर भी उसने चेंज कर दिया, लेकिन वो रफ एंड टफ यूज नहीं किया था दोस्तों, उसने स्किन को लिमिनेशन वेशन सब करवा दिया था। तो वो चेंज करते वक्त उसको लिमिनेशन हटा के पूरा स्प्रे से मतलब साफ होप करके, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरह आपको सिर्फ वॉच उसमें से निकाल लेनी है और अपनी वॉच उसमें डाल देनी है, स्ट्रिप आप अपनी ही रखेंगे, सब कुछ जो नया आएगा सब कुछ वही रहेगा दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी वॉच उसमें डाल देनी है और उस वॉच को आपको निकाल लेनी है जो ऑन होगा, ठीक है। अब ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह चेंज करने के बाद आपको उस ऑर्डर को कैंसिल मार देना है। जब आप कैंसिल मार देंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें आपको रीजन पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसमें 2-3 प्रॉब्लम शो करेंगे जब आप उसको मतलब कैंसिल मारेंगे, तो आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, बेहतर होगा कि आप ये सेलेक्ट करिए कि ये ऑन नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको कस्टमर केयर फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल आएगा, ठीक है, कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा सर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बोलिएगा कि स्मार्ट वॉच ये ऑन नहीं हो रही है, फिर वो बोलेंगे सर उसको चार्जिंग लगा दीजिए, थोड़ा 1-2 घंटे लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद चार्जिंग तब आप ऑन करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आप ठीक है 1-2 घंटे बाद उन्हें बोल दीजिएगा ठीक है मैं देख लेता हूँ, तो आपको फिर एक नया नंबर स्लॉट दिया जाएगा, मतलब टाइमिंग दी जाएगी आपको, फिर 1 घंटे बाद या अगले दिन आपको कॉल किया जाएगा। जब तक कस्टमर केयर अप्रूव नहीं करेगा तब का वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको जो भी अगला स्लॉट मिलता है आपको यही बोलना है कि मैंने हर चीज़ कर लिया है, चार्जिंग भी लगा लिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तब वो कस्टमर केयर आपसे बोलेगा ठीक है सर मैं आपका यहाँ से ऑर्डर को अप्रूव कर देता हूँ कैंसिल का, फिर वो कैंसिल ऑर्डर अप्रूव हो गएगा, फिर आपको कोरियर वो आएगा अगले दिन, जब भी आपको टाइमिंग मिलेगी वो आपका आके आपको वॉच ले जाएगा और इस तरह आपकी वॉच चेंज हो जाएगी। कोरियर पर आएगा, नॉर्मली वो वॉच देखेगा डब्बे में वॉच है कि नहीं है, सब कुछ अपना कागज पत्र जो भी रहेगा सब उसमें रहने दीजिएगा, सब वो चेक करेगा, नॉर्मली आपका वॉच वो लेकर चला जाएगा। और उसके बाद पता है कि जैसे ही मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट कैंसिल करते हैं तो डिलीवरी बॉय जैसे आपका मतलब सामान को एक्सेप्ट करता है वैसे आपके अकाउंट में आए, जहाँ भी आप पेमेंट लेना चाहते हैं वो तो आप चूज कर लीजिएगा, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। तो इस तरह ये होगा कि आपकी वॉच भी चली गई
और आपको न्यू वॉच भी मिल गई, लेकिन ये तरीका गलत है दोस्तों। लेकिन क्या करें, इतनी मजबूरी है कि बहुत सारे लोग मेरे को इतने पूछ सके, सर मैं क्या करूं क्या करूं, मैं थक गया हूं बता बता के। मेरी वॉच खुद नहीं हुई तो मैं दूसरों को क्या बताऊं दोस्तों, मैं भी परेशान हो गया, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं सब। तो दोस्तों मैंने तो बताया था कि मैंने बहुत सारे ईमेल किए थे, मैसेज किए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ तक कि ट्विटर पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैंने उन्हें और व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं आपको ऊपर केस करने वाला हूँ। और दोस्तों सच्ची में मैं इतना तंग आ गया 3-4 महीने से कि मैं सोचा था कंज्यूमर ऑफिस में जाके इनके खिलाफ केस करूंगा कि मतलब आप सर्विस क्यों नहीं दे रहे हैं, और इस तरह मतलब आप बोलते हैं कि अगले 24 घंटे में कोई आपसे संपर्क करेगा, कोई संपर्क भी नहीं करता है। तो मैंने प्लानिंग कर लिया था दोस्तों, लेकिन अब क्या बताएं, मैं तो अब केस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो वॉच मेरे पास है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मतलब मुझे कहीं से रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन मैंने जब इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज किया कि मैं आपको ऊपर केस करूंगा, मेरी वॉच ऐसे ऐसे प्रॉब्लम इतने दिन हो गए हैं, तो अगले दिन मेरे को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मतलब अपने पार्सल को तैयार रखिएगा, कोरियर बॉय आपका वॉच को लेने आएगा। लेकिन दोस्तों ये करीब 5 या 6 दिसंबर को मतलब मेरे को मैसेज आया था, लेकिन उसके बाद से कोई रिस्पांस नहीं आया। खैर अभी वो वॉच भी मेरे पास नहीं है, तो वॉच मेरी दोस्तों इस तरह मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं मार्केट से 2 जींस लिया था तो उसकी लंबाई थोड़ा लेंथ बहुत अधिक थी, तो मैं उसको लंबाई को लेंथ को छोटा कराने के लिए मार्केट लेके जा रहा था। तो मैं अपनी वॉच को भी साथ में ले आता, मेरे मित्र ने बोला कि अपनी वॉच लेके आओ, मैं जैसे अपना चेंज किया उसी तरह तुम्हारा भी चेंज कर दूंगा। तो मैं अपना जींस मतलब मार्केट में लंबाई कम कराने के लिए देने वाला था, और स्मार्ट वॉच भी लिया था कि मैं दे दूंगा, मित्र मेरा भी ऐसे ही चेंज कर देगा। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ये कि मतलब मैं किसी शॉप पे वहाँ कुछ सामान लेने लगा और मैंने थैला मतलब वॉच की और उसके बाद पैंट का थैला वहीं पर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं वहाँ से वो थैले को ही भूल गया, जो सामान लेना था उस दुकान से सामान लिया, फिर मैं चला गया। जब बहुत आगे चला गया दोस्तों, लगभग 15-20 मिनट बाद मुझे याद आया कि मैं वहाँ थैला भूल चुका हूँ। जब मैं वहाँ वापस आया तो दोस्तों वो थैला वहाँ नहीं था, जिसमें मेरे 2 जींस भी चले गए न्यू, उसके बाद मेरी वॉच भी चली गई। तो दोस्तों इसलिए मैं तो चेंज नहीं कर पाया, लेकिन मेरे मित्र ने इसी तरह करके चेंज कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ जिन लोग को ये उचित लगे वो अपना वॉच को चेंज इस तरह करा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वॉच कितनी भी गंदी ना हो, देखने में ठीक ठाक लगे। अब उसको जैसे वॉच आती वैसे निकाल के उसमें पॉलिथीन कवर सब लगा के वैसी तरह आपको रख देना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।